राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। बता दें कि इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती खेतड़ी विधानसभा के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने खेतड़ी विधानसभा के नेहरू मैदान में बसपा प्रत्याशी मनोज कुमारिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा पार्टी चुनाव को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां आज़ादी के बाद से ही अब तक दलित, आदिवासी, किसान और पिछड़े वर्गों का उत्थान नहीं कर पाई। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यह वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके स्टेट में भी यह विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।